भोजपुरी इंडस्ट्री में लकीर तो सब खींचते रहते हैं, रोज़ बोलते हैं कि मैं लकीर में हूँ, मैं ट्रेंडिंग में हूँ, मैं पेंडिंग में हूँ, सेंडिंग में हूँ, मतलब कि ना जाने कौन कौन से तरह का नाम उपयोग किया जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री में। लेकिन खेसारी लाल यादव जी दो दिन पहले कुछ दिव्यांग बच्चों को, विकलांग बच्चे को उन्होंने ट्राई साइकिल बांटा, कुछ लोगों को गाड़ी भी गिफ्ट किया, अपने राइटर को भी फॉर्चूनर गिफ्ट किया। तो दिव्यांग विकलांग को अगर खेसारी लाल यादव जी मदद किए हैं। सबसे पहले मैं भैया को सादर प्रणाम कर रहा हूँ यहाँ से और धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ कि आपने दिव्यांग को जो है चलने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आपने उनको एक साधन प्रदान किया। थाने वाली मैया से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आगे बढ़ते रहें। और वही नहीं, जो भी कलाकार गरीब गुरबा की मदद करते हैं, दिव्यांग की मदद करते हैं, हमारे भाई या कोई भी समाज के लोग जब बीमार पड़ते हैं उनकी मदद करते हैं, उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूँ, सहृदय धन्यवाद दे रहा हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सदैव निरोग रहें, स्वस्थ रहें, दो पैसे हमेशा कमाते रहें, कि उसमें से कुछ अंश जो है कहीं ना कहीं सेवा भाव में लगता रहे। मैं वीडियो देखा कि सारी भैया के बारे में जो है दिव्यांगों को साइकिल दिए, बड़ी खुशी हुई कि भैया जो है मदद किए। और सभी भाइयों को जिनके पास ईश्वर ने दिया है, जो भाई कमा रहे हैं, सब लोग दें और देते भी हैं इसमें। मैं उनको बस यही बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको मेरी गरीबों को मदद करने के लिए जितना आभार उनके लिए प्रकट किया जाए वो कम है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बुना देता नहीं, पहले फूट गया है बनू जी का, लगता है कि आँख मारने से चश्मा फूटा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा चश्मा परमानेंट चश्मा बनू जी का, कि भाई कैसा लग रहा है मॉडल ये? अरे बाप, ये तो उंगली पार हो जा रहा है। पहले हवना लिख दी ओढ़निया पनाम, रटत रही हा सुबह हो शाम, डलबू जब जब सीना पे, दिलवा के मिली आराम, हवना लिख दी गमा छावा पेना, रटत रही। कई बार पोस्ट पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं कि दिखावा कर रहे हैं, बहुत कमेंट्स आते हैं जो लोग कहते हैं कि बहुत सराहनीय कदम है, और बहुत लोग कहते हैं कि देते कम दिखाते जाते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि भैया देखा देखी पाप बढ़ेला और देखा देखी पुण्य बढ़ेला। हमारा देहला से वो खबर अगर पांच भाई के लगे पहुँचता जिसके जानकारी नहीं थी कि केहू गरीब परेशान बा, केहू के यहाँ कुछ होता, तो ओकरा अंदर भी मदद के भाव उत्पन्न होला। मैं किसी के अंडर में रह के या किसी के दबाव में या किसी के कंडीशन में काम ना करती हूँ ना करूँगी, फिर चाहे वो कितने बड़े स्टार हों। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि अगर मेरे काम में दम होगा तो सामने से लोग मुझे बुलाएंगे, अगर मेरे काम में दम नहीं होगा तो मुझे कोई नहीं बुलाएगा। मैं क्यों विवाद खड़ा करूँ? जिनको मेरा काम पसंद आएगा वो सामने से मुझे बुलाएंगे, मुझे याद करेंगे कि वनु के साथ काम किया जाए या वनु को चांस दिया जाए। क्या सभी कलाकारों को, छोटे छोटे कलाकारों को मदद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सदैव करना चाहिए भैया, जो भी बड़े कलाकार हैं, छोटे कलाकार का मदद करेंगे उनका मनोबल बढ़ेगा। देखिए शॉर्टकट रास्ते जो होते हैं टिकाऊ रास्ते नहीं होते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज भोजपुरी। जी अभी दिल्ली से चलकर आई हैं भाई, पटना में शूट कर रही हैं लगातार बन्नू चश्मे वाली, और साथ में भैया हैं नगेंद्र उजाला जी जो कि समय समय पर उजाला करते रहते हैं, वो भी कैसे, बिना बलगर अश्लील फुहड़ गाने गाए हुए, बिना घाघरा चोली लहंगा किए हुए गाने को बजा लेते हैं, और हमेशा इनके गाने मिलियंस में मिलियंस जाते ही रहते हैं। तो मैं ऐसे ऐसे कलाकारों को अगर सपोर्ट ना करूँ, इनके गानों को प्रमोट ना करूँ तो शायद नाइंसाफ़ी होगी। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी सादर प्रणाम है, और आपके चैनल देखने वाले, तबाही न्यूज़ देखने वाले जितने भी आदरणीय भगवान रूपी दर्शक हैं, मैं नागेंद्र उजाला यहीं से दसों अंगड़ी जोड़ करके सादर प्रणाम कर रहा हूँ। बन्नू जी पहला इंटरव्यू हमारे चैनल पर हो रहा है, काफ़ी मुझे खुशी भी हो रहा है कि भाई बन्नू जी से आज हमारी मुलाकात हुई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार है और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है, बड़ों को पांव छूकर प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। जी सवाल, छोटे को तबाही वाला प्रणाम कीजिए। तबाही वाला प्रणाम। तो अब मैं बात करूँगा भाई मारब अखिया तो मर जाइबा, जो कि नगेंद्र उजाला जी का गाना आया है, गाने 5 मिलियन क्रॉस भी कर गए हैं और गाने काफ़ी साफ सुथरे भी हैं। भैया ये बताइए कि आप जब भी गाने आते हैं, चाहे तू हंस के बोलू ये जान, दिलवा के दर्द बढ़ गई,
न जाने कौन कौन से गाने, आई एम तबाही, न जाने 20 तरीके के आप गाने गाते हैं। आपके गाने में कुछ ऐसा बलगर फूहड़ नज़र नहीं आते हैं, लेकिन गाने आपके बज जाते हैं, ब्लास्ट भी हो जाते हैं। मतलब इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सब आदरणीय जो भी भगवान रूपी दर्शक हैं, उनका आशीर्वाद है, प्यार है, दुलार है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना एक एक दिल मंगवैया हजार बार, बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी आशीर्वाद प्यार दुलार मिला। सदैव शुरू से सीडी के ज़माने से ही हम गाने गाते आ रहे हैं। उस वक्त अखिया फर फर फरकता, दिलवा धक धक धड़कता, चुड़िया सरापता, बलमुआ कजरा सरापता, जहर बना गेलू जिनगिया, एक जितने दिन याराता उतने मन पगलाता। मैं सुना हूँ छठ से लेकर हर एक गाने में आपके दर्द कुछ कुछ झलकते हैं और हर एक गाने में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो शुरू से ही साफ सुथरे गाने हमारे बजते आए हैं और लोग हमें पसंद करते हैं। कभी कभी हमारे अंदर ही कमी हो जाती है, अच्छे गीत नहीं हो पाते हैं, अच्छे तरीके से मैं गा नहीं पाता हूं, तो मैं पब्लिक को क्यों दोष दूं कि पब्लिक हमारे गीत को नहीं सुन रही है। जब पब्लिक तब नहीं सुनती जब हमारे लगातार गाने फ्लॉप होते, लगातार 6 महीने पे गाने हिट कर जाते हैं। पब्लिक सुनती है, साफ सुथरे गीत सुनती है, तभी तो हिट करते, नहीं तो कहाँ हिट करता। आप काफ़ी दिनों से बज रहे हैं, आज से नहीं बज रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि आपने एक दूसरा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं चुना, यानी कि शॉर्टकट रास्ते आपने क्यों नहीं अपनाया? देखिए, शॉर्टकट रास्ते जो होते हैं टिकाऊ रास्ते नहीं होते हैं। जल्दी समय पहुंचने के लिए आप शॉर्टकट रास्ते अपना सकते हैं, मगर जो है शॉर्टकट टिकाऊ नहीं होता है, उसमें खतरे भी हैं, नुकसान भी है आपको। तो हम जो अस्थाई रास्ते हैं उसी पे चल करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं, भले देर लगे सवेर लगे, मगर उधर से ही जाना चाहते हैं जहाँ से जो है प्रेम मिले, इज्जत मिले, जो है सम्मान मिले। कहीं भी जाऊँ तो लगे कि हाँ मैं कहीं कुछ किया हूँ तो लोग मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। बाबू जी काफ़ी गर्म मिजाज के आदमी हैं भाई, कभी कभी झगड़ा भी कर लेती है, मैं देखा हूँ इनको। मैं भी देखा हूँ। अखिया मारब तो मर जाए, यानी कि मतलब कि कुछ लफड़ा तो नहीं हुआ था? नहीं, लफड़ा नहीं हुआ था। बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, पहली बार मैं इनके संग काम किया, इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, गजब का टैलेंट इनके अंदर है। आप लोग वीडियो देखते होंगे तो देखते ही होंगे, काफ़ी खूबसूरत जो है अंदाज से इन्होंने उसमें काम किया है, जिसके वजह से गाने जो है चल रहे हैं। जिनके भी गाने इन्होंने किया और मेरे संग पहला काम रहा, और मारे मखिया तो मर जीव, यह फ़नी गीत, साफ सुथरा गीत काफ़ी चल रहा है, 5 मिलियन हुआ। तो आज हम पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए, आप सबों से रूबरू होने के लिए। बनू जी, आपसे सवाल अब रहेंगे कि नगेंद्र उजाला जी के साथ में आपने गाने को किया मारा मखिया तो मर जीव, एक्सपीरियंस कैसा रहा, अनुभव कैसा रहा, और शूटिंग के दौरान कौन कौन से घटनाएं आपके साथ घटी और कौन कौन से अच्छाइयां दिखी उसमें? सबसे पहले तो मैं जितना तारीफ करूं उतना कम है नागेंद्र उजाला जी का। पहली बार काम किया और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस, कहते हैं ना फर्स्ट एक्सपीरियंस अगर बेस्ट होता है तो आगे भी काम करने में मज़ा आता है, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही खूबसूरत रहा। और रही बात की और मतलब सेट पर कोई नेगेटिविटी, तो ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि मतलब गुस्सैल हैं, लड़ाई करती हैं, तो आपने देखा एक भी बार सेट में? मतलब मैंने माइंड नहीं किया इस बात को थोड़ा सा, जस्ट मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपको मेरे नेचर के बारे में कैसा लगा मेरे साथ काम करके? आपने काफ़ी कोऑपरेट किया, मुझे सेट पे कहीं कुछ ऐसा नहीं लगा कि ये गुस्सैल हैं, काम के प्रति जो है बहुत सजग रहती हैं। डायरेक्टर साहब बोलते हैं 10 मिनट के अंदर सेट पे चाहिए, तुरंत जाती थी और ड्रेस चेंज करके आती थी। कई ड्रेस हम लोगों ने उस गाने में जो है चेंज किया, और एक नहीं कई गाने हम लोग शूट किए एक दिन में। तो काफ़ी एक्टिव रहती हैं और बेसिकली मैं इनको बहुत लाइक करता हूँ। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बन्नू जैसे कलाकार शायद कम ही मिलते हैं, बहुत एक अजूबा हो जाते हैं कि टैलेंट हर एक चीज़ का है, मतलब कि कोई चीज़ का कमी नहीं होता है। गुस्सा झगड़ा ये सब तो अलग है कि अकेले एक शेरनी की तरह फाइट करना लड़की है ये जानती हैं, किसी से डरने वाली नहीं है, निष्पक्ष तरीके से अपने बात को रख देती है, जैसे कि मैंने देखा तो कुछ बातों को। तो ये बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्ट्रेस अगर ऐसे ऐसे रहेंगे, एनर्जी फुल एनर्जेटिक एक्ट्रेस रहेंगे, तो क्या उन्हें बड़े बड़े फिल्मों में बड़े बड़े सुपरस्टारों के साथ काम का मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। और जिन एल्बम में या फिल्म में ये काम कर रही हैं उनमें इनका जो भी हक है वो भी मिलना चाहिए। अभी मैंने इनका एक लड़ाई वाला वीडियो देखा था, तो उसमें इन्होंने यही कहा था कि मेरा जो हक है मुझे क्यों नहीं मिला। तो स्वाभाविक सी बात है, मैं जो काम करता हूँ मुझे हक मिलना चाहिए, जो काम करती हैं सबको अपना अपना हक मिलना चाहिए, और जिनके अंदर टैलेंट है उनको तो काम मिलना चाहिए। जो भी हमारे आदरणीय बड़े भाई लोग हैं, जो भी निर्देशक हैं, प्रोड्यूसर हैं, जो भाई जिनके अंदर टैलेंट हैं उनको काम देते भी हैं और आगे देते भी रहेंगे। लगता है कि बन्नू जी का घमंड सबसे बड़ा उनका टैलेंट है,
सबसे बड़ा घमंड उनका उनकी ऑडियंस है जो उन्हें पसंद करती है, शायद इसीलिए किसी को जवाब दे देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक्ट्रेस या मॉडलों को इस सुपरस्टार के साथ काम कर रहे हैं तो उसके साथ काम नहीं मिलेगा, उसके साथ काम कर रहे हैं तो उसके साथ काम नहीं मिलेगा, लास्ट में एक्ट्रेस क्या करती है, आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है। लेकिन मुझे बन्नू में कुछ दिखाई दिया कि शायद ये फाइट कर सकती है अपने टैलेंट के बदौलत। अच्छा बन्नू जी, मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कभी कभी ऐसे भी कंपटीशन होते हैं कि आप अगर मेरे साथ आप काम कर रही हो तो अगला स्टार आपके साथ काम नहीं करेगा, ऐसा आपने कभी देखा या नहीं देखा है? देखा है, बट किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट मेरा सिर्फ एक ही एक बहुत सिंपल सा जवाब होगा कि मैं किसी के अंडर में रह के या किसी के दबाव में या किसी के कंडीशन में काम ना करती हूँ, ना करूँगी, फिर चाहे वो कितने बड़े स्टार हों। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि अगर मेरे काम में दम होगा तो सामने से लोग मुझे बुलाएंगे, अगर मेरे काम में दम नहीं होगा तो मुझे कोई नहीं बुलाएगा, मैं क्यों विवाद खड़ा करूँ? जिनको मेरा काम पसंद आएगा वो सामने से मुझे बुलाएंगे, मुझे याद करेंगे कि वनु के साथ काम किया जाए या वनु को चांस दिया जाए, बस इतना ही बोलना चाहूँगी। वाह क्या बात है। उजाला जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में आपने भी काफ़ी एक बिक्की बेदर्दी का आपने मदद भी किया था, कुछ आर्थिक भी मदद किया, हालांकि उस अब इस दुनिया में नहीं है आप जैसे कलाकार, आपको मैं तो बड़ा कलाकार ही मानूंगा क्योंकि आप काफ़ी दिनों से हैं, लेकिन आपके पास अगर बजट भी कम होते हैं तो आप किसी का मदद कर देते हैं, क्या सभी कलाकारों को छोटे छोटे कलाकारों को मदद करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सदैव करना चाहिए भैया, जो भी बड़े कलाकार हैं छोटे कलाकार का मदद करेंगे उनका मनोबल बढ़ेगा, और जो लोग स्ट्रगल पीरियड में, जैसे आपने विक्की का नाम लिया, मैं बोझिल हो रहा हूँ क्योंकि मैं गया था, आप भी वहाँ कवरेज किए थे, बहुत कलाकार प्रयास किए, ईश्वर को वही मंजूर था, आर्थिक रूप से भी जो है प्रयास किया गया, मगर वो प्रयास अगर पहले और हुआ रहता भैया तो शायद वो इस दुनिया में रहता। आदमी मानव प्रयास करता है, मानव प्रयास ही करता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि अभाव में आदमी जो है अपने लाइन को छोड़ देता है, अभाव में आदमी प्राण, जैसे अगर कहते हैं प्राण आदमी खो देता है, प्राण भी खो देता है अभाव में, समय से इलाज नहीं हो पाता है, आदमी चला जाता है। सवाल नगेंद्र जी आपसे रहेंगे लास्ट की, भोजपुरी इंडस्ट्री में लकीर तो सब खींचते रहते हैं, रोज़ बोलते हैं कि मैं लकीर में हूँ, मैं ट्रेंडिंग में हूँ, मैं पेंडिंग में हूँ, सेंडिंग में हूँ, मतलब कि ना जाने कौन कौन से तरह का नाम उपयोग किया जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री में। लेकिन खेसारी लाल यादव जी दो दिन पहले कुछ दिव्यांग बच्चों को, विकलांग बच्चों को उन्होंने ट्राई साइकिल बांटा, कुछ लोगों को गाड़ी भी गिफ्ट किया, अपने राइटर को भी फॉर्चूनर गिफ्ट किया, तो दिव्यांग विकलांग को अगर खेसारी लाल यादव जी मदद किए हैं, इसको नगेंद्र उजाला जी क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं? सबसे पहले मैं भैया को सादर प्रणाम कर रहा हूँ यहाँ से, और धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ कि आपने दिव्यांग को जो है चलने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आपने उनको एक साधन प्रदान किया। थाने वाली मैया से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आगे बढ़ते रहें, और वही नहीं जो भी कलाकार गरीब गुरबा की मदद करते हैं, दिव्यांग की मदद करते हैं, हमारे भाई या कोई भी समाज के लोग जब बीमार पड़ते हैं उनकी मदद करते हैं, उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूँ, सहृदय धन्यवाद दे रहा हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सदैव निरोग रहें, स्वस्थ रहें, दो पैसे हमेशा कमाते रहें, कि उसमें से कुछ अंश जो है कहीं ना कहीं सेवा भाव में लगता रहे। मैं वीडियो देखा कि सारी भैया के बारे में जो है दिव्यांगों को साइकिल दी, बड़ी खुशी हुई कि भैया जो है मदद किए, और सभी भाइयों को जिनके पास ईश्वर ने दिया है, जो भाई कमा रहे हैं सब लोग दें और देते भी हैं, इसमें बड़े बड़े हमारे बड़े कलाकार लोग हैं वो हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं, और मैं चाहूँगा कि सभी लोग मदद करते रहें, दो पैसा हम लोग पब्लिक से ही कमाते हैं, पैसा हम लोग पब्लिक से ही कमाते हैं, कंपनी हमें देती है मगर वो भी पैसा पब्लिक से ही, वो अपने गाने अपलोड करती हैं कंपनी यूट्यूब पे, वो गाने देखे जाते हैं, उससे पूंजी आती है, आगे भी गाने होते हैं, तो पब्लिक का पैसा है, और पब्लिक का पैसा पब्लिक में अगर हम कमा करके दो पैसा देते हैं तो ये कहीं से ये नहीं है कि नहीं हम पैसा अपना जो है अपने घर से दे रहे हैं, हम पब्लिक से ही ले रहे हैं, स्टेज कर रहे हैं पब्लिक से ही पैसा ले रहे हैं, यूट्यूब पे गाने हमारे पब्लिक ही देख रही है, तो उसमें से कुछ ना कुछ अंश जो है हमेशा निसहाय लोगों के पास जो है पहुंचना चाहिए भैया। वाह क्या बात है। इस सराहनीय कार्य के लिए मनु जी क्या कहना चाहेंगे खेसारी लाल यादव जी को? मैं उनको बस यही बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनको मेरे गरीबों को मदद करने के लिए जितना आभार उनके लिए प्रकट किया जाए वो कम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
वाह क्या बात है। तो ये थे हमारे साथ में बन्नू दी ग्रेट, और यहाँ पर नगेंद्र उजाला जी थे, जो कि बड़े बड़े सुपरस्टार आते हैं अपने म्यूजिक डायरेक्टर को, म्यूजिक वाले को सिर्फ इतना ही कुछ गिफ्ट करके सम्मानित करके छोड़ देते हैं, लेकिन वो गरीब जो हैं आप जिनसे पैसा कमाते हैं, जो ऑडियंस आपको देखती है, उनके लिए आप एक रुपया का भी काम नहीं करते हैं। और लोग बोलते हैं कि मैं लकीर खींच दिया, मैं फ़कीर खींच दिया, मैं ये पेंडिंग में आ गया, मैं ये ट्रेंडिंग में आ गया। तो सीखिए थोड़ा नगेंद्र उजाला जी से। नगेंद्र उजाला जी का मैं शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि बिक्की बेदर्दी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पहला शख्स ऐसे थे नगेंद्र उजाला जी कि उन्होंने वहाँ पर पहुँचकर आर्थिक मदद किए, हालांकि उसके जान बचाने में इतना कामयाब रहे। बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद दूंगा। अगला कदम नगेंद्र उजाला जी का, अगर कुछ आर्थिक स्थिति आपकी भी अगर सही होगी तो कभी किसी गरीब को आप मदद करने से पीछे हटेंगे या फिर आएंगे आगे? भैया मैं बता दूँ कि हर साल मैं मदद करता हूँ, वो मैं दिखा ना पाऊँ या कुछ कर नहीं पाऊँ। जैसे कई बार पोस्ट पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं कि दिखावा कर रहे हैं, बहुत कमेंट्स आते हैं जो लोग कहते हैं कि बहुत सराहनीय कदम है, और बहुत लोग कहते हैं कि देते कम दिखाते जाते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि भैया देखा देखी पाप बढ़ेला और देखा देखी पुण्य बढ़ेला। हमारा देहला से वो खबर अगर 5 भाई के लगे पहुँचता जिसके जानकारी नहीं कि केहू गरीब परेशान बा, केहू के यहाँ कुछ होता, तो उकरा अंदर भी मदद के भाव उत्पन्न होला। वा बता दें भैया कि साल में अपना कमाई के 10-15% पैसा जौन बा हम दान पुण्य में करेनी। जैसे मान ली कि केहू गरीब के बहन के शादी, बेटी के शादी होला, वही में हम पहुँचे नहीं, राशन भी लेके पहुँचे नहीं, साड़ी लेके पहुँचे नहीं, कोनो ना कोनो अपना हैसियत के अनुसार आभूषण दे देनी। कोनो भाई बड़ा सब पढ़ाई में कोनो दिक्कत आवता तो हमरा लगे पहुँच जालो, तो 2,000-5,000 के जौन मदद होला वो लोग हम करेनी। गरीब के केहू तबियत खराब बा वही में हम मदद करेनी। तो भैया मदद हम हर साल करेनी, आप सबके आशीर्वाद बा। बहुत बढ़न नहीं की कि हम 2-4, 10-20 लाख, 50 लाख के मदद करेनी, मगर जौना लायक बानी वो लायक हम मदद जरूर करेनी। हो जाए मारा मखिया तो मर जाए। अच्छा, हाँ, एक लाइन गुनगुना देता नहीं पहले। फूट गया है बनु जी का, लगता है कि आंख मारने से चश्मा फूटा है क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ये चश्मा परमानेंट चश्मा बनु जी का कि भाई कैसा लग रहा है मॉडल ये। अरे बाप, ये तो उंगली पार हो जा रहा है। पहले हमारा लाइन रहता भैया वही में का तोहरा लायक हम नहीं खिए गोरी, हरेक हाल प्यार से ताको ना हम डबोरी, का तोहरा लायक हम नहीं खिए गोरी, एक हाल प्यार से ताको ना हम डबोरी। फिर ये बोलती हैं, यानी शिल्पी जी कहती हैं कि हमार प्यार पावे खाती हर जैब हर जैब, हो मारे बखिया त हो मारे बखिया त मारे बखिया त एह बाबू मर जैब मर जैब मर जैब, हमारा चेहरा के लाइट से जर जैब जर जैब जर जैब। वाह क्या बात है। तो चलिए ऐसे ऐसे सुपरस्टारों को आप लोग मदद कीजिए, ऐसे ऐसे लोगों को गाने को लाइक सब्सक्राइब ठोक दीजिए लगा के कि गर्दा उड़ जाए ऐसे ऐसे गानों को, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग गरीबों का मदद करते हैं।